कारण जिहड़े दोनों पक्षों तो विचारण वाले ते समझण वाले ने साथ संगत तो बड़े जरूरी ने, क्योंकि जिहड़ी चीज किसी भी धर्म के विचों किसी भी कारज के विचों मनफी हो जाए मुक जाए फिर वह सिर्फ एक बाहरी रस्म बन जाती है जिन्हों मनुख सिर्फ अपनी बाहरी फोकी जी खुशी के लिए मनाता है पर उनका उन्हों अंदरों कोई चा नहीं होता, क्योंकि जिन्हों अंदरों सतगुर आनंद की दात देते हैं खुशी की दात देते हैं वो तो सदा ही इको रहते उन्होंने तो अंदरों अवस्था ऐसी बन जाती जिन्हों साहबाणी में कहते हैं कि इस संसार के अंदर ही मेरे मालिक हुण सदा ही आनंद है दुख नहीं सब सुख ही है हुण सतगुर दुख है ही नहीं हुण सुख ही सुख है हार नहीं सब जित है हुण सतगुर हार है ही नहीं हुण ते जित ही जित है। पर जीवन के पक्ष में हार ते जित सुख ते दुख के नाल नाल चलते हैं यह सानू मनना पड़ेगा स्वीकारना पेगा क्योंकि हकीकत है जीवन की। जे नहीं स्वीकारांगे तो फिर इन दोनों के भाव वखरे होंगे फिर एक समय ऐसा आएगा जो बहुत दुखी होवांगे तो एक समय ऐसा आएगा जो बाहर मुखी थोड़े खुश होवांगे। पर जे सदा एक अवस्था में रहना चाहते हैं तो फिर सतगुरु पातशाह कहते हैं सदा ही परमात्मा के नाम नाल जुड़ सदा ही रब्बी गुणा के नाल जुड़ उनके विच अपना जीवन यापन शुरू कर दे उनके विच अपना जीवन जीना शुरू कर दे। सिर्फ राम मुख तो राम कहन के नाल उनकी अंतरीम खुशी को नहीं मान सकांगे जिन्नी देर तक समझांगे नहीं। गुरबाणी का एक बड़ा प्यारा बचन है बाबा कबीर साहब जी कहते हैं लोग जाने यह गीत है यह तो ब्रह्म विचार जिन्हों नहीं समझ उन्होंने भाने यह गीत गाया जा रहा है वो ताड़ियां भी मारते हैं। तुम देखे होने कई थावान पर ऐसा होता है भजन करद भी लोग ताड़ियां मारी जाएंगे नची जाएंगे उन्होंने वो गीत है जिमें उन्होंने बाहर मुखी गाणियां ते नच लिया उन्होंने धर्म की दुनिया में नच लिया उन्होंने दोनों चीजें एक बराबर ने। लोग जाने यह गीत है पर सतगुर कहते है कि यह तो ब्रह्म विचार सतगुर कहते रब दियां गल्लां ने यह कोई संसारिक गीत नहीं क्योंकि नचे हैं टपे हैं भगत ना होए क्योंकि नचण टपण दे नाल भगती थोड़ा है नचन टपन के सतगुरु कहते हैं तो मन का चाओ सतगुरु कहते हैं जोड़ा गुरमुख है मन के चाओ बच नहीं जीता उनका चाओ कि उनका चाओ होंगे गुरु के हुक्म जीना। बाबा कबीर साहब कहते हैं ना मोहे मरने का चाओ है मरने का मतलब मौत नहीं है इतने मरण का मतलब है गुरु के हुक्म जीण का मैं चा क्योंकि जे गुरु के हुक्म जीना है तो फिर संसार वालों मरना पैना है फिर संसार वाली रीत नहीं असं जी चल सकते फिर संसार को विपरीत होकर जीना पैना है। तो जे सतगुरु पातशाह जी इसे करके कह रहे थे बाबा जी कहते हैं लोगों के भाने सिर्फ एक गीत है पर भगत जनों के भाने गीत नहीं है तो रब दियां गल्लां नहीं। असी जिहड़े दिन बड़े सुचजे सन सोहने सन जिन्हों तो जीवन की कोई प्रेरणा लैनी सी जिन्हों तो जीवन की कोई मैसेज लैना सी असी उन्हां नूं भी अपनी खुशी लई बाहर मुखी चीज़ां तक सीमित कर दिता एक दूजे नूं गिफ्ट दे दिओ उनके कोलों गिफ्ट लै लो पटाके चला लो दीवे बाल लो सब सैलीब्रेट हो गया गल खत्म हो गई। कोई भी दिन है साध संगत जी भावें किसी भी तरह का कोई भी धर्म नाल जुड़िया होया दिन है उनके पिछे मंतव बड़ा डूंगा होता है असी उस मंतव नाल जुड़ना है असी उस मैसेज नाल जुड़ना होता है
मैसेज साडे जीवन विचों मनफी हो गया, निकल गया, असी सिर्फ रीत नाल जुड़ गए। धर्म सिर्फ एक फोकी रीत नहीं है, धर्म एक मर्यादा होंदी है, धार्मिक डिसिपलिन होंगे जिंदे विच असी तुसी सारे ने जीना है। इसे करके ते सानू बोल भी उही चंगे लगते हैं जिन्हां बोलां दे विचों सानू सिर्फ बाहर मुखी प्रेरणा दिती जाए। हुण इही दिन ने कल नूं कईआं ने जिन्हां ने शराब पीण वाले ते उन्हां ने कहना भी हुण रज के पी लो, बड़ा चंगा दिन है। जिहड़े जुआ खेडण वाले ने उन्हां कहना भी जुआ खेडो, बड़ा चंगा दिन है। सारा कुछ होना है ना कल नूं, क्यों धर्म की आड़ विच जो मर्जी करी जाओ, सारा कुछ ही चंगा है। सिर्फ लेवल ही लेवल ही धर्म का लाना है ना, और कोई गल नहीं। पर सच यह है कि जे तुसीं इस चीज को थोड़ा जा प्रैक्टिकल रूप में वेखो, जिहड़े हिंदू वीर ने वो इस चीज को थोड़ा जा प्रैक्टिकल रूप में वेखण, जे वो इस गल नूं प्रैक्टिकल रूप में समझण भी मेरे जिन्हों जिहड़ा मेरा इष्ट है, जिंदी मैं आराधना करना, इस दिन जिंदी मैनू आराधना करनी चाहिए, जिन्हें उपदेश नाल मैनू जुड़ना चाहिए, जो मैनू ऐसे कर्म करदिया होया वेखेगा तो खुश होएगा, मैनू शाबाशी देगा भी बड़ा चंगा कर रहे हो, मेरे दिन मेरा बना रहे हो, भी मेरे आप की खुशी विच ते मन दीआं अपनीआं पूरीआं करी जा रही। धर्म कित्थे रह गया? चाहिदा तो यह इस दिन कुछ चंगी गल चंगा सुनेहा एक दूजे को देते लेंदे, सुनेहा तो नहीं लिया पर उस दिन का बहाना बना के असी नशे भी पीते, असी होर भी बदफैलियां करनियां शुरू कर देंगे। पर सतगुरु पातशाह जी कहते हैं नहीं, सुनेहा भाई साहब भाई गुरदास जी का बड़ा प्यारा वचन है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं जिहड़ा गुरु का सिख है ना, गुरमुख सुख फल दात शब्द संभाली है, उस शब्द की संभाल कर रहे हैं। क्योंकि सत्संग जिनी देर तक नहीं समझांगे ये समझ, क्योंकि जिथे असी खड़े हैं ना, मैं माफ करना, जिथे असी खड़े हैं तुसी आज तो थोड़ा पिछे चले जाओ, साडे कोल वड्डे बजुर्ग ने जिन्हां ने उन्होंने भी ये दिन मनाए होणगे, पर उन्हां दे दिन मनाउण दा ढंग कुछ होर सी, असी मना रहे हैं साडा मनाने का ढंग कुछ होर है। तो जिदन अगे साड़ी आने वाली जनरेशन इस दिन मनाएगी उदो पता नहीं की हो जाना है। फिर हुण तो थोड़ा बहुत फिर भी लोग कोई याद कर लेंगे, उदो किसी ने याद थोड़ा करना है, उदो धर्म भी सिर्फ एक सैलीब्रेशन रह जाना है। बार रखी सिक्ख्या नहीं रहेगी होंगी, अंदर मैसेज जरूरी होंगे किसी भी चीज अंदर, मैसेज तो बिना कोई भी काम अधूरा है, एक गल चेते रखियो। बच्चे भी सिर्फ स्कूल मत्था टेकना ही पूर्ण कर्म थोड़ा होंदा है, उनके लिए एक सुनेहा है, एक मैसेज है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने जिहड़े बचन कहे ने, भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े प्यारे बोल ने, कल नूं इह भाई साहिब भाई गुरदास जी की पौड़ी बहुत पढ़ी जानी है जगह जगह से, तो असी अगे बैठ के बड़ा झूमना है, तो कहना भी वाह भाई सतगुरु तो कह रहे हैं भी दिवाली की रात को दीवे बालो, रज के बालो, तो मैं भी नहीं कहना ना बालो, बालो जिन्हें मर्जी बालो, पर बाहर के दीवियों के नाल नाल अपने अंदर ज्ञान का दीवा कितने बालो ना, गुरु का उपदेश का दीवा कितने बालो। जिनकी आराधना कर रहे हो उनका उपदेश की है? घट तो घट कोई एक सुनेहा। रामायण किड्डी वड्डी है, रामचरित्र मानस किड्डी वड्डी है, रामायण किन्ने सुनेहे होणगे उहदे अंदर जिहड़े हिंदू वीर ने, उहनां लई कोई एक सुनेहा ही अपने जीवन विच अपने इष्ट दा धारण कर लो। किड्डा वड्डा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन बाणी, कल नूं बंदी छोड़ दिवस मनाना है तुसीं वी, कोई एक सुनेहा ही गुरु दा अपने जीवन विच धारण कर लईए। भाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे ने जिहड़े रब दे प्यारे ने उह अपने गुरु दे उपदेश नूं अपने पल्ले बन्नदे ने, उन्हां लई गुरु दा उपदेश सब तो श्रेष्ठ हुंदा है ते सब फल देने वाला हुंदा है। किवें? उन्होंने कुछ एग्जाम्पलां लईआं। भाई साहिब भाई गुरदास कहिंदे ने जिवें दिवाली की रात नूं दीवे बाली गए ने, पर वह दीवियां की रोशनी सदा लई नहीं, थोड़ी चिरी है। तुसीं दीवा बालिया जे तेल पाया तो दो घंटे बाद तेल मुक जाएगा, या तो दोबारा तेल पाओगे नहीं तो बत्ती बंद हो जाएगी।
जे मोमबत्ती जगाईए तो मोमबत्ती कितनी देर तक जगेगी? घंटा, दो घंटे, चार घंटे, कोई कितनी भी वड्डी होवे, 24 घंटे, 48 घंटे, कितनी देर तक जले बंद हो जाएगी? एक समय आएगा। पैसा भाई गुरदास कहते हैं जिवें दिवाली की रात दीवे बालीए, जिवें दिवाली की रात को अपने इष्ट की आराधना करते हुआ लोग दीवे बालते ने, पर पातशाह कहते हैं वह दीवे थोड़ चिरी ने, उन्हां दी रोशनी सदा नहीं रहेगी, उन्हां दी रोशनी कुछ समय बाद बंद हो जाएगी। फिर पातशाह भाई गुरदास कहते हैं तारे जात सनात अंबर पालियन, बाहर तारे निकले हुए ने समान में, पर वो जिहड़े तारे ने जिवें सवेरे सूरज की लौ लगेगी, सूरज की लौ लगेगी जिवें वो तारे अलोप होने शुरू हो जाएंगे। अलोप मतलब प्रकाश, सूरज की रोशनी के विच उन्हां दी रोशनी खत्म हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी, है उठे पर वो नज़र नहीं आएंगे। तारिया की जिहड़ी रोशनी है वह कितनी देर तक है? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, कितनी देर तक? सूरज चढ़ेगा वो तारिया की रोशनी बंद हो जाएगी। पैसा भाई गुरदास जी कहते हैं तारिया की रोशनी सदा नहीं है। कहते कोई बंदा किसी बगीचे में चला जाए, बड़ा सोहना फुलों का बाग हो, बगीचा हो, बड़े तरह तरह के फुल लगे हो, बड़ी महक आती हो फुलों की, पर सच है उन्होंने फुलों की माला, उन्होंने फुलों को तोड़ के उन्हों की माला बनाए या फुल तोड़ के गुलदस्ता बनाए, उस गुलदस्ते उस माला को बंदा चाई चाई घर लैके आ जाए, आखे भी ये फुलों की खुशबू बड़ी सोहनी। पातशाह भाई गुरदास कहते हैं खुशबू कितनी देर तक रहेगी? 4 घंटे, 6 घंटे, फुल मुरझा जाएंगे, सुक जाएंगे, मुड़ के बंदा की करेगा? कोई सुके हुए फुलों को डस्टबिन में सट के आएगा। कमाल की गल है, कल को कह रहा से बड़ी सुगंधी है, बड़े सोहने ने, अज इन्हों की अज इन्हों की यह सुंदरता किधर चली गई? अज इन्हों की सुंदरता खत्म हो गई, अब डस्टबिन में सट दिते ने। क्यों? क्योंकि उन्हों की खुशबू सदा नहीं है, थोड़े समय वास्ते है। पैसा भाई गुरदास कहते हैं जिमें तीर्थां ते जांदा है बंदा, कोई मेला लगे या कुछ होर, बंदा तीर्थां ते जांदा है किसी खास प्रयोजन से, उत्थे बड़ी भीड़ लगती है, जिमें प्रयागराज कुंभ का मेला लगता है, कितनी भीड़ होती है, असं आनंदपुर साहब जा रहे मेला लगता है, कितनी भीड़, एक समय ऐसा होता है 2-3 दिन उत्थे पैर रखने की जगह भी नहीं होती, पर ध्यान देना जिन्हों मेला खत्म हो जाता है सारे यात्री अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, सारे अपने अपने घर वापस आ गए, हुण उत्थे कोई टामा टामा नजर आउंदा है। एक समा सी उत्थे पैर रखण दी जगह नहीं सी, सदा ते नहीं रहे, जिहड़े गए मुड़ के अपने घर वापस आ गए। पैसा भाई गुरदास जी कहिंदे ने दिवाली दी रात दीवे बालियन, तारे जात सनात अंबर पालियन, फुल्लां दी बागात चुन चुन चालियन, तीर्थ जाति जात नैन निहालियन, हर चंदेउनी झात वसाए उचालियन। किसी ने आख्या भी हरिश्चंद्र की नगरी सी कोई, बड़ी सोहनी सी, पर किसी ने देखी नहीं अज तक, कल्पना की, पर पातशाह कहते हैं वह जिंदी कल्पना करना है वह सच ते नहीं, पर पातशाह कहते हैं पर जिहड़ा गुरु का सेवक है वह की करता है, वह इन्हां चीज़ां नाल नहीं जुड़ता, वह किन्ने नाल जुड़ता है? गुरमुख सुख फलदात शब्द संभालिए, गुरु का सेवक की करता है? वह अपने गुरु के उपदेश नूं दृढ़ करता है। मैं इसे करके बेनती कर रहा, जे बाहर दे दीवे जगा रहे हो तो गुरु के अपने इष्ट दे सुनेहे नूं, उहदे मैसेज नूं भी अपने हिरदे विच धारण करो ना, सिर्फ बाहर की थोड़ा जीवन जी मैं आता इन्ना कोई खुशी मना ली, और बहुत कुछ ऐसा होंगे इन्हों दिनों के अंदर जिहड़ा वर्णन योग भी नहीं, पर सच है। तो और सब कुछ किवें हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्योंकि बंदा धर्म का कोई दिन मना रहा है, पर धर्म के दिन इस ढंग से नहीं मनाए जाते, उनके लिए तो जरूरी होता है। देखो कोई भी संसार के अंदर कर्म है, जो तुम उस कर्म को करते हो तो उसकी खुशी को मनाते हो, उस चीज़ को याद करके। धर्म गुरु हरगोबिंद पातशाह जी कल देते दे। क्योंकि जहांगीर जो तख्त पर बैठा, धर्म गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अकाल तख्त की सिरजना की, सतगुरु पातशाह जी ने 2200 घोड़ सवार अपने नाल रखे, ये सीधा सीधा हुकूमत को एक चैलेंज सी धर्म गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का। एक तरफ मुगलिया हुकूमत सी, मुगलिया एम्पायर सी, क्योंकि उस वेले उन्हां दा राज सी, दूजे पासे धर्म गुरु हरगोबिंद पातशाह जी
गुरु अर्जुन देव पातशाह जी को शहीद किया जाता है जहांगीर के हुक्म के विच। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जिस वेले तख्त से बहते ने गुरता गद्दी मिलती है तो सतगुरु जी अकाल तख्त सिरजते हैं, अकाल गुंगा जी को कहा जाता है। हुण जिहड़े लोग पहलों जहांगीर के दरबार में अपने मसले लैके जाते सी लड़ाई झगड़ा हो जाना कुछ, वह हुण उधर जाने की बजाय गुरु हरगोबिंद साहब जी के दरबार में आने लग पे। हुण जहांगीर को इंज लगा भी ये मेरे लिए बड़ा खतरनाक काम है, मेरी ते सल्तनत को खतरा हो जाएगा जो लोग उधर जाना शुरू कर देंगे। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी भी उन्होंने बड़े यत्न किए, चार जंगा गुरु हरगोबिंद साहब जी ने लड़िया पर चारे जंगा में गुरु हरगोबिंद साहब जी की जित हुई। फिर धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को इन्होंने सुलह करके आपस में फिर यह कहा कि सतगुरु पातशाह जी तुम सानू जो ग्वालियर का किला इस किले से तुहाडे नाल असीं मुलाकात करनी चाहते हैं। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को स्थान पर बुलाया, उत्थे सतगुरु पातशाह जी गए पर उस जगह से सतगुरां नूं नज़रबंद कर दिता जाता है। तो जिहड़ा कल का दिन है जो जहांगीर को अपनी करनी क्योंकि वह इन्हां दिनों दे विच फिर वह शरीरक जिहड़ी तंदुरुस्ती उहदी दिनों दिन जांदी गई रोगी लैण लगा, तो साईं मियां मीर ने उहनूं फिर याद कराया कि यह सब तेरे लिए इसे करके हो रहा है क्योंकि एक तो तू गुरु अर्जुन देव पातशाह जी को शहीद करन दे हुक्म दित्ते, दूजी उन्होंने पुत्र भी उस तखत को उस थान जिन्हों दुनिया सिजदे करती है जिन्हों का किसी नाल कोई वैर नहीं जितों सुनेहा ही निर्भो ते निर्वैरता मिलता है, तू अपनी इरखा बस उन्होंने जेल में पाया है उस जेल में किले में कैद किया है, तू उन्होंने आजाद कर दे। सतगुरु पातशाह जी को रिहाई दे कहा गया, जान भी कहा गया, पर जेड़े उत्थे राजे सन 52 राजे क्योंकि सतगुरां नूं बंदी छोड़ आख्या जांदा, क्यों आख्या जांदा, जेड़े पहाड़ी राजे सन साध संगत जी जेड़ा ग्वालियर का किला सी ना इत्थे कोई आम बंदे कैद विच नहीं सन रखे जांदे कि किसी ने चोरी कर ली किसी ने कतल कर दिता उन्हूं कैद विच रखिया नहीं, उत्थे जेड़े वड्डियां वड्डियां रियासतां दे राजे सन जेड़े हकूमत तो बागी हो जांदे सन उन्हां राजियां नूं ग्वालियर के किले विच कैद किया जाता सी क्योंकि उन्होंने जिहड़ी रोटी दी जाती सी भोजन दिता जाता सी उहदे विच जहर मिला के दिता जाता सी, जहर बहुत थोड़ी मात्रा च हुंदा सी ताकि वह हौली हौली जहर उन्होंने अंदर घर कर जाए तो मर जा तड़फ तड़फ के राजे मर जाते सन। और इस किले की एक खासियत सी जिहड़ा राजा इस किले के कैद किया जाता सी वह जींदा कदी वापस नहीं सी आउंदा, तुसीं ग्वालियर के किले का इतिहास पढ़ के वेखो जिहड़े राजे नूं हकूमत वल्लों इस किले विच कैद कर दिता जांदा सी कदी जींदा वापस नहीं सी आउंदा। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जदों इस किले तों वापस आन लगे ते जिहड़े राजे सन पहाड़ी राजे जिहड़े हकूमत दे बागी सन उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरणां विच अरदोई कीती कि सतगुरु तुसीं आए हो ते जीवन मिलिया है, चले जाओगे ते असीं ते फिर मर जावांगे, कृपा करो सानूं वी अपने नाल लैके जाओ। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने जहांगीर के सामने शर्त रखी भी जी असीं तां इस किले विच जावांगे जे तुसीं इन्हां नूं रिहा करोगे। ते हुण जहांगीर ने कह दिता भी जिन्ने सतगुरु जी तुहाडा लड़ फड़ के चले जाणगे उन्हां सारिआं नूं रिहा कर दिता जाएगा। तां गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने 52 कलियां वाला चोला तैयार करवाया, जिन्ने राजे सन सतगुरां दे चोले की एक एक कली नूं फड़ के धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का लड़ फड़ के इस किले विचों रिहा होए। ते जो सतगुरु पातशाह जी रिहा होए लोगों ने सतगुरों के चरणों से नतमस्तक उन्होंने पहाड़ी राजे क्योंकि बड़िया 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 रियासत सन पहाड़ी राजे दिना के मनण वाले इन्होंने बड़े लोग सन क्योंकि हर रियासत का जोड़ा राजा से उनकी प्रजा भी होंगी सी, पर प्रजा जोड़े लोग इन्हों मन वाले सन उन्होंने धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी को बंधी छोड़ आख्या कि सतगुरु तुम साढ़े बंधना को सू आजाद कराया है। सतगुरु पातशाह जी जिस दिन पावन हरिमंदर साहब की धरती से पहुँचते हैं वो दिन फरवरी के बंद है, वैसे पर असी इस दिन के नाल जोड़ देते हैं कि सतगुरु पातशाह जी के आने की खुशी में दीपमाला की गई, पर जरूरी फिर उही गल कि लोग जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार इन दिनों सिर्फ बारमुखी सैलीब्रेशन का साधन ना बनाइए, हकीकत समझिए इन दिनों की क्योंकि सात संगत जिथे असी खड़े हैं इतने जो नहीं समझांगे तो सानू आने वाले समय के हर चीज़ सानू इंज लगता जो नहीं करांगे तो की हो जाएगा।
जे असी नहीं करांगे तो की हो जाएगा। पर ध्यान देना अज असी जिते खड़े हाँ ये जो असी 10 साल अगे जावे 15 साल अगे जावे फिर सानू महसूस होएगा भी नहीं उस समय के अंदर ये चीज़ों को जो थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट किया हों तो शायद अज साडा जीवन बैटर होता चंगा होता। पोल्यूशन बड़ी वड्डी समस्या है साडे देश की। पर ध्यान देना कल असी धर्म की आड़ में ही वह कुछ करना है। और आने वाले दिनों में गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब भी मना रहे भी दोष एक को थोड़ा दिता जाएगा जे दूजे को आखांगे भी ना चलाओ दिवाली से तो फिर सानू भी तो समझना पड़ेगा भी असी गुरपुरब से जो चलाने असी उदों कित्थे खड़े हो। गुरु नानक साहब जी का सुनेहा है पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महा मां धरती नूं मां का दर्जा दिता है सतगुरु ने। पवन नूं हवा नूं प्यो का दर्जा दिता है। पवन गुरु का दर्जा दिता है। पाणी नूं पिता का दर्जा दिता है। ये दर्जे को एवं नहीं दिते सतगुरु ने। इन्हां दी की इंपोर्टेंस है साडे जीवन के अंदर। हवा तो बिना कितना समा जी लवांगे असीं नहीं जी सकते। कितनी देर तक नक बंद कर लो सह नहीं आना बंदे नूं 5 मिनट भी नहीं तुसीं टिक सकदे। पर ध्यान देना असीं जिते खड़े आ जिहड़ियां चीज़ां नूं असीं धर्म का नाम लैके कर रहे हां तेरे नाल दी चिंता तो भी असीं आ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾ ਜਗਾਓ ਜਗਾਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਗਾਓ ਜਿਹਨੇ 10 ਜਗਾਉਣੇ ਨੇ 100 ਜਗਾਏ ਜਿਹਨੇ 100 ਜਗਾਉਣੇ ਨੇ 1000 ਜਗਾਏ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਗਾਏ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ